कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए लॉकडाउन के चलते इस बार हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान टेकरी पर मेला नहीं लगेगा और ना ही यहाँ भंडारा होंगे और ना ही लोगों के लिए दर्शन के लिए खोला जाएगा। इसके लिए मंदिर के ट्रस्ट ने भी कोरोना की गाइडलाइन के चलते लोगों से टेकरी पर दर्शन करने न आने की अपील की है और कहा है कि वे सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बालाजी सरकार के लाइव दर्शन घर बैठकर ही कर सकेंगे। वहीं प्रशासन द्वारा टेकरी के मार्ग पर जगह जगह बैरिकेड लगाना शुरू कर दिए हैं। जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से घर पर ही रहकर हनुमान जयंती मनाने की अपील भी की है। इसे निवेदन है कि सभी लोग अपने घर पर हनुमान जयंती मनाएं, वहीं पर पूजा अर्चना करें, टेकरी कोई भी ना आए। टेकरी के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, सभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से परेशान ना हो, यहाँ ना आए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें और घर पर ही हनुमान जयंती मनाएं। जैसा कि देखा जाता है गांव के लोग अधिकतर जाते हैं झंडे लेकर, सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, किसी की परमिशन नहीं मिलेगी, किसी को दर्शन करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बताने की हनुमान जयंती के अवसर पर टेकरी सरकार के दर्शन को हर साल लाखों लोग आते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये कदम उठाया है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।